आज हम लोग आराम से बैठ के टीवी देखें। एक मिनट, क्या हम आराम से बैठ सकते हैं? आराम से मतलब बिना किसी मोशन या गति का। हम सोचते हैं, आप भी सोचिए, जल्दी से सोचिए। क्या ये जिराफ मोशन में नहीं है क्या? सेम वे में ये भीड़, ये हाथी, ये चींटी, ये बबून्स, ये चिड़ियाँ, ये कैमल्स, ये झरना और ये ट्रेन, ये क्या सभी मोशन में नहीं है क्या? रेस्ट में है क्या? अब आपने सोचा होगा ये मैंने क्या पूछ लिया। हाँ जी हाँ, क्या आप बैठे हैं तो वाकई में बैठे हैं क्या, बिना किसी गति या मोशन के? चलिए हम शुरू करते हैं टीवी देखने से। हम टीवी देख रहे थे कहाँ? घर में। देखने में तो घर रेस्ट में लग रहा है, और घर कहाँ पर है? ये इस पॉइंट पर है मान लीजिए, और ये पॉइंट कहाँ है? आप देख सकते हैं ये पॉइंट अर्थ पर है। ओके, और अर्थ भी देखने में रेस्ट में लग रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है अर्थ यानी दुनिया हमेशा घूमते रहती है। ओके, कुछ ऐसे जैसे ये दुनिया घूम रही है। तो हमने देखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, बैठ के, घूम के, चल के, फिर के, वो सभी के सभी गति में करते हैं, मोशन में करते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से ये दुनिया घूम रही है, ठीक है? तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, सभी मोशन में है, सभी गति में है, तभी ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हमारी दुनिया भी घूमते रहती है, अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सोलर सिस्टम का हिस्सा होने के वजह से वो सूरज के चारों तरफ एक एक्सिस बनाते हुए घूमते रहती है। दुनिया भी रेस्ट में नहीं है। तो भला हम कैसे रेस्ट में हो सकते हैं? इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग? और हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इस पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारा गैलेक्सी मिल्की वेज है, उसका एक पार्ट है। और मिल्की वेज भी घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के चारों तरफ ये मिल्की वेज चक्कर काट रहा है, और उसी तरीके से मिलियंस ऑफ मिल्की वेज पूरे यूनिवर्स में जो चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, रेस्ट में नहीं है, मोशन में नहीं है। तो अब आपको समझ में आई बात कि हम सभी किसी भी कंडीशन में घूम ही रहे हैं, रेस्ट में नहीं है। हाँ तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि आप जो बैठे हैं सोफा पर टीवी देख रहे हैं, आप सच में बैठे नहीं हैं, घूम रहे हैं पृथ्वी के सतह से अटैच होकर के। आप जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, करीब 16.5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से पृथ्वी घूमती है, आप भी घूम रहे हैं। तो व्हाट, तो इसमें क्या है? सभी जानते हैं ये बात। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं जानते हैं? हाँ तो बताइए ना, आगे क्या है भाई? अब आप बोलेंगे कि हम बैठे हैं, लेकिन बैठे नहीं, एक्चुअली में पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का अंदर का हिस्सा, जैसे हमारे स्किन के अंदर का हिस्सा, हमारे मांस के अंदर के हिस्सा, और इस तरीके से दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, वो सब का अंदर का जो मांस है वो तो रेस्ट में है। अरे हे बाबा, तो मैं बोलूंगा आप गलत हैं। कैसे गलत हैं? मान लीजिए ये आप हैं, तो अब आप बोलेंगे कि हमारे स्किन के अंदर का जो मांस है, और इसी तरीके से दुनिया के हर चीजों के अंदर का जो हिस्सा है वो तो रेस्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू आप, और किसी सामान के अंदर का हिस्सा विथ रिस्पेक्ट टू डैट मैटर। ओके, आप जो है ना मिथ जानते हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। और ये मैं चला, स्किन के अंदर जा रहा हूँ मैं, आपका स्किन है। मिलियंस ऑफ टाइम जूम इन करने के बाद आपको सबसे स्मॉलेस्ट लाइव यूनिट दिखेगा लाइफ का, वो सेल है, देख सकते हैं।
कि सेल में जो भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सभी मोशन में, तो दिख कहाँ रहा है मोशन में, हम है ना, देखिए कैसे मोशन में है। ये सेल है जो आदमी में 70% पानी होता है, ये सेल उस पानी में डूबा रहता है और उसमें तैरते रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, वो सभी के सभी भी मोशन में होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और न्यूक्लियस भी मोशन में होता है, मतलब अंदर भी आपका कुछ ना कुछ मोशन है, हरकत है। तभी तो मैंने इस टाइटल का नाम रखा घूमती दुनिया। ये देखिए, हम न्यूक्लियस पर जूम करेंगे तो ये दिखेगा मेरे को, देखिए कैसे न्यूक्लियस मोटर प्रोटीन के फॉर्म में चल रहा है। इस तरीके से अंदर भी हमेशा हरकत करते रहता है, मोशन में रहता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने सेलेस्टियल बॉडी हैं, ब्रह्मांडीय वस्तु है, आकार हैं, वो सभी मोशन में रहते हैं। इसका मतलब आप अंदर से भी मोशन में ही हैं। अब आते हैं मैटर्स पर, ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी, मैटर्स में क्या अंदर से मोशन में रहता है? तो आपने मैटर्स के बारे में पढ़ा होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर्स इज एटम, और एटम भी जो है ना रेस्ट में नहीं रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर का न्यूक्लियस भी घूमते रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ये ह्यूमन सेल के अंदर देख सकते हैं, पानी के अंदर न्यूक्लियस भी मोशन में, उसके चारों तरफ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है विद इन द सेल, वो सभी के सभी मोशन में है, मतलब अंदर से भी आप रेस्ट में नहीं है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी देखिए बीच में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इस फिगर में दिख नहीं रहा है, लेकिन न्यूक्लियस भी गोल गोल घूम रहा है। यहाँ भी सेम कंसेप्ट देख सकते हैं कि अंदर से हर वो मैटर घूमता ही रहता है। अब आपके दिमाग की बत्ती जली, नहीं जली तो इससे समझिए, किसी भी मैटर के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमेशा हरकत में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में प्रोटॉन के साथ, और न्यूक्लियस भी गोल गोल घूमते रहता है अपने एक्सिस में। अच्छा, अब समझ में आया आपको कि आप नहीं जानते थे, ठीक है मैंने बता दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जिस अपने अगर बॉडी के अंदर जूम इन करते जाए तो लास्ट में एटम मिलेगा, और उस एटम के अंदर भी सेम उसी तरह का मोशन है एज ए सन। अगर हम न्यूक्लियस को माने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एज ए प्लैनेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट माने जो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो एक निश्चित एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर काटते रहता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ये पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पर, साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ एक डिफरेंट ऑर्बिट में घूम रही है, और इस पृथ्वी के जैसा बहुत सारे प्लैनेट भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस तरीके से घूमती है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो अब हमने क्या सीखा, पूरी दुनिया घूमती है, चाहे बाहर से देखें या अंदर से देखें। तो इस ब्लैंक माइंड में कुछ भरिए, और मन करे तो सब्सक्राइब्स लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग KWM।